तो वहीं बक्सर बवाल मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उपद्रव मामले में 39 नामजद और 300 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया गया। चौसा थर्मल परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगाया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिसकर्मियों पर हमला का भी मामला दर्ज किया गया है। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बक्सर की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें पुलिसकर्मियों का वो रवैया देखने को मिला था, वो अमानवीय चेहरा देखने को मिला था, जिसके बाद बड़े सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े होने लगे थे कि आखिर ये कैसा रवैया पुलिसकर्मियों का है, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी लोगों के सुरक्षा की है, उनके ही लाठी डंडे से किसान पिट रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है और इसका कोई पछतावा पुलिसकर्मियों को नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल बक्सर बवाल पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? हाँ मैम, आज गांधा गांधी पूरा है, आज चिराग पासवान भी आज पहुंच रहे हैं और पप्पू यादव भी आ रहे हैं और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर जी भी आज बनारपुर चौसा प्लांट पे पहुंच रहे हैं और किसानों की समस्याओं का सुनने के बाद आज पुलिस द्वारा एसपी ने बताया कि आज 39 नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और 300 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इससे और किसानों में उग्र हो गए हैं कि हमारी गलती प्रशासन की, उसके बाद भी हम लोग को लपेटा जा रहा है इस मामले में, लेकिन इसमें कुछ उपद्रवी तत्वों को जा रहा है, घटनाक्रम की गई है। उसमें वर्तमान एसडीबीएन के सीईओ मनोज कुमार द्वारा ही ये कार्यक्रम सुसज्जित तरह से किया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र।